पराली प्रदूषण और जुर्माना, हर साल की वही कहानी है। मना करने के बावजूद भी पराली जमकर जलानी। जींद को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया जा चुका है, जहां पिछले कुछ वक्त में जमकर चालान काटे जाते हैं, खूब जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात बद से बदतर बने हुए। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं समाचार प्लस। हरियाणा के जींद शहर के हालात देश में सबसे बुरे हैं, जहां जींद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है, जहां के AQI करीबन 500 को पार कर चुका है। अगर शहर के जमीनी हालातों पर नजर डाली जाए तो पिछले 24 घंटों में, जी हां, पिछले 24 घंटों में पराली जलाने के मामले दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। इसके साथ ही यहां पर करीबन 105 से ज्यादा मामले पराली जलाने के रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिन पर जुर्माना भी लगाया गया है और शहर में करीबन 3.25 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है। हरियाणा में ऐसे हालात सिर्फ जींद के नहीं, ऐसे और भी कई शहर हैं जिनके हालात इस शहर से मिलते जुलते हैं, जिनमें पानीपत, सिरसा और फतेहाबाद शामिल है। इन शहरों को देखा जाए तो ये शहर डायरेक्शंस में भी एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं, लेकिन हालात बिल्कुल मिलते जुलते हैं। वही दिल्ली की तर्ज पर भी हरियाणा के 4 जिलों में 7 दिन के लिए कामकाज बंद कर दिया गया है। इन हालातों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि प्रदूषण कम करने की चाहे कितनी भी बातें कर ली जाएं, लेकिन पराली जलाने के साथ ये सारी बातें भी धुआं हो जाती हैं। राज्य सरकारें किसानों पर जुर्माना तो लगाती हैं, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नहीं बताती। उन पर आरोप तो लगाए जाते हैं, लेकिन शायद उनकी मजबूरी को सुनना नहीं चाहती, और ये कहानी ऐसे ही जारी रहती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये आप हमें जरूर बताएं, अपनी राय जरूर रखें, और तब तक के लिए बने रहिए समाचार प्लस के साथ।